दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति रोज नए रंग ले रही है, ये बात मैं आपसे आज नहीं कह रहा हूं, ये लगातार कई दिनों से चल रही है। और जो राजनीतिक रंग है, इन राजनीतिक रंगों के चलते आप या ये कहें राजनीतिक तेवर के चलते जनवरी की सर्दी में भी राजनीतिक गर्मी का एहसास हो रहा है। अब आप मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, लगभग 4.25 साल होने जा रहे हैं। अब 2024 शुरू हो चुका है, तो क्योंकि चुनाव की आहट भी हो चुकी है, पहले लोकसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए अगले 50-60 दिन में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी तय है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी चर्चाएं चली कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो सकता है, लेकिन जैसी तैयारियां हैं और जैसी खासकर सत्ताधारी नेताओं के बयान हैं, उससे लगता नहीं है कि दोनों चुनाव साथ हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 के अंदर ही चुनाव है, और आप मान लीजिए कि नवंबर तक दोनों चुनाव होने हैं, जनवरी आधा बीत चुका है, और अगले 50 या 60 दिन के अंदर पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और इस सब के बीच मैंने आपको बताया कि 4.25 साल से हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है। आप मान लीजिए, वैसे तो जब से ये सरकार बनी थी तभी से ही सरकार पर एक तलवार सी लटकी रही कि ये सरकार यानी कि जो गठबंधन है कब टूटेगा। जब से गठबंधन हुआ था तभी से एक चर्चा होती थी कि गठबंधन अब टूटा और तब टूटा। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी चलती रहती थी कि जिनसे लगता था कि सरकार स्थायी है, और वो सरकार चलती भी रही। अब माने तो जब से हरियाणा के प्रभारी विप्लव कुमार देव साहब बनकर आए, और जो पिछले साल उनके जून के महीने में सबसे पहले जो उचाना के अंदर उनकी सभा हुई, और उचाना में जब उन्होंने कहा कि उचाना से हमारी बहन प्रेमलता चुनाव लड़ेंगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, तो तब से ये राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई थी। तो तभी से ऐसा लगने लगा था कि जैसे गठबंधन के अंदर जो कहा जाता था वो वाकई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद में अमित शाह जी की सिरसा में रैली हुई, और उस सिरसा की रैली के अंदर अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएंगे। उसके बाद जब जब कभी हरियाणा के बड़े छोटे नेता सभाएं करते हैं, बैठक होती है, उन बैठकों में सभाओं में कहा जाता है कि हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें और सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जब 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बात चल जाएगी, चुनाव लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन के सहयोगी यानी कि जननायक जनता पार्टी के लिए बचता कुछ है नहीं। और बस इसी को देख लीजिए तो माना ही जा सकता है कि जो बीजेपी नेता कहते थे उनकी देखा देखी जननायक जनता पार्टी के नेता भी कहने लगे कि वैसे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा फैसला होगा उसके आधार पर काम करेंगे। दबाव बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों में रैली भी कर ली है। करनाल के अंदर जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां जाकर भी चुनौती दे आए भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के नेता। और इस सबसे आगे बढ़कर के जननायक जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने भिवानी में यह ऐलान कर दिया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। और डॉक्टर अजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई कानूनी पेचीदगियां रही जो फरवरी तक लगभग क्लियर हो जाएंगी, अगर कुछ कानूनी पेचीदगियां रही तो फिर अजय सिंह के स्थान पर दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। और उनका ये बयान क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 2014 से और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव हुए, यानी कि 10 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, चौधरी धर्मवीर सिंह वहां से सांसद हैं। तो आपको आंकड़ों में बताएं कुछ आखिर ऐसा सब चल क्यों रहा है। जब भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए चौधरी अजय सिंह चौटाला का ये बयान आया, तो फिर इसके साथ ही जो हरियाणा के भाजपा प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव साहब, उनका भी एक बयान आ गया और उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे, यानी कि ये नहीं गठबंधन जीतेगा, ये कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे, यानी कि 10 की 10 सीटें भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा चुनाव जीतेगी। तो मैंने आपको बताया कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है। इस सबके पीछे मुख्य जो कारण है,
आप समझ सकते हैं कि जब से जननायक जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, जननायक जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो भले ही समर्पित रूप से दिखाई देते रहे, लेकिन बीजेपी के नेता हमेशा ये कहते थे कि गठबंधन जो है वो सरकार का है, दो दलों का गठबंधन नहीं है। और बस यहीं से जो कसक बढ़ती गई, उसके बाद में आप मान लें तो जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस विधानसभा के उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो आदमपुर में चुनाव हुआ और चाहे वो बड़ौदा में चुनाव हुआ। बड़ौदा में कांग्रेस जीत गई और आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन दोनों सीटों पर जननायक जनता पार्टी गठबंधन में साथ रही। उसके बाद में हरियाणा के अंदर नगर निकायों के कुछ चुनाव आए, उस चुनाव के अंदर एक मार्गी तो ये था कि चुनाव दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ और समझौते के तहत बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने निकाय चुनाव मिलकर लड़ा। उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक है। फिर राजस्थान का विधानसभा चुनाव आया तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बातें चली कि जेजेपी और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे। जेजेपी ने कई बार ये बयान दिए, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी को अगर ये कह ले कि कोई रुख नहीं दिया, या बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के उस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जननायक जनता पार्टी कुछ विधानसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव भी लड़ी और उनका प्रदर्शन जैसा रहा आप सबके सामने है। हालांकि दावा तो करके ये गए थे जेजेपी के लोग कि राजस्थान के सत्ता का जो ताला है उनकी चाबी से खुलेगा, जो उनका चुनाव निशान है जननायक जनता पार्टी का, यानी कि चाबी। लेकिन जननायक जनता पार्टी की चाबी राजस्थान में जाकर कुंद हो गई, जंग खा गई और जंग खाकर वापस लौट आई। और उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गई हरियाणा की। और जो राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, जननायक जनता पार्टी को वोट के लिहाज से देखें तो 0.00% में वोट मिले, और उसके बाद में बीजेपी दमादम और ज्यादा हो गई। तीन राज्यों में जो भाजपा की सरकार बनी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उसके बाद तो जैसे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह, जो आत्मविश्वास सर चढ़कर बोलने लगा। और अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके बाद से तो जैसे पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दमादम है। लेकिन इस बीच में भिवानी महेंद्रगढ़ पर दावा रखा है जननायक जनता पार्टी ने, तो पहले तो आप ये समझे कि भिवानी महेंद्रगढ़ ही क्यों। हालांकि दावा तो हिसार पर भी हो सकता है आने वाले समय में, हालांकि दावा तो सिरसा पर भी कर सकते हैं आने वाले समय में, हालांकि मांग तो सोनीपत की सीट भी सकते हैं जननायक जनता पार्टी के लोग। और इन सब पर इसलिए आपको चारों सीटों का बताएंगे कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पहले, यानी कि जो 2007 में परिसीमन हुआ उससे पहले ये सीट अलग हुआ करती थी। भिवानी अलग सीट थी और महेंद्रगढ़ गुड़गावा लोकसभा का पार्ट हुआ करता था। भिवानी लोकसभा सीट से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव जीते थे 1999 में। हालांकि जो उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया था 1999 के चुनाव में, उसका बदला 2004 में ले लिया था श्रुति चौधरी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को हरा करके। 2014 और 2019, यानी कि जब 2008 में परिसीमन तय हो गया, 2009 में नए परिसीमन से चुनाव हुआ, 2009 में तो कांग्रेस जीती, लेकिन 2014 और 2019 दोनों चुनाव में धर्मवीर सिंह चुनाव जीते। अब क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी से सांसद रहे हैं तो भिवानी पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पहला दावा किया है। हालांकि आज भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, वहां जितने प्रभावी जाट हैं उतने ही प्रभावी अहिर यादव मतदाता हैं। लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपना या दिग्विजय का दावा किया है भिवानी महेंद्रगढ़ पर, मैंने आपसे कहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ ही क्यों, तो उसका तो हमने आपको बताया। अगला दावा, क्या वो हिसार पर कर सकते हैं? तो क्योंकि हिसार से दुष्यंत चौटाला सांसद रहे हैं, 2014 में दुष्यंत चौटाला सांसद बने थे। और अगर अगली बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ और उसके बाद में हिसार के बाद बात करते हैं, तो मैंने आपसे सिरसा का कहा था, तो सिरसा लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर चौधरी देवीलाल के परिवार का ठीक ठाक असर रहा है, और दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के बड़पुत्र हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र हैं। और मैंने आपसे सोनीपत का भी कहा, तो सोनीपत लोकसभा सीट वो है जहां पर 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कैंडिडेट हुए तो उनके मुकाबले चुनाव लड़ने पहुंचे दिग्विजय चौटाला। तो सीटों पर दावा तो कोई कितना भी कर सकता है, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ पर जब दावा किया और उसके बाद में जब बयान आ गया विप्लव कुमार देव साहब का कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे,
तो उसके बाद में लगता है ऐसा है नहीं कि कहीं गठबंधन की गुंजाइश बच जाती है। वैसे आपको एक बात और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के सहयोगी रहा करते हैं, भाजपा कभी उनसे गठबंधन तोड़ती नहीं है। भाजपा ऐसा माहौल बना देती है कि वो गठबंधन से खुद अलग हो जाए। चाहे वो आप महाराष्ट्र का मामला ले लें कि जब शिवसेना को अलग करना था, शिवसेना से अलग होना था, तो शिवसेना ने भले ही सरकार बना ली कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भले ही एक अल्पमत की कुछ दिन की अपनी सरकार बनी और उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और बाद में उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना को तोड़ करके आज एकनाथ शिंदे की सरकार है और भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही है। लेकिन बिना किसी आहट के जिस प्रकार शिवसेना को भाजपा ने अलग कर दिया, तो उससे आप मान सकते हैं जो मैंने आपको कहा कि भाजपा मौका नहीं देती अपनी तरफ से कि गठबंधन भाजपा तोड़े, बल्कि विपक्ष के जो बल्कि उनके जो गठबंधन सहयोगी होते हैं उनके लिए ऐसा माहौल बना देती है। फिर चाहे आप पंजाब की बात कर लें, पंजाब के अंदर भी जो अकाली दल के साथ भाजपा गठबंधन हुआ करता था उसके अंदर भी किसान आंदोलन के दौरान वो गठबंधन टूटा। भले ही बाद में तो किसान आंदोलन को जो तीन कानून थे उनको प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, लेकिन जब तीन कानूनों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल जी की पुत्रवधु जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, जब वो रिजाइन दे रही थी लेकिन उनको बीजेपी ने रोका नहीं। और आज अगर हरियाणा की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है भले ही वो कुछ भी कहते रहे, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन ऐसा माहौल दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई अपने हिसाब से प्रदेश की भूमिका तय कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे कह देते हैं कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब इस प्रकार के बयान रोज आएंगे तो उसके बाद जननायक जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मान लीजिए एक दिन खुद फैसला कर लेंगे अलग होने का। तो उस हालात को देखते हुए माना जा सकता है कि जो हरियाणा के अंदर राजनीतिक पारा आने वाले दिनों में और चढ़ेगा। संभावनाएं तो कुछ ऐसी भी हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले ही यह गठबंधन भरभराकर टूट सकता है। संभावनाएं तो कुछ ऐसी हैं कि जैसा माहौल बना दिया गया है, इस संभावना के अंदर जननायक जनता पार्टी को जब लोकसभा की कोई सीट मिलेगी नहीं, जब लोकसभा सीट की सभी 10 की 10 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतार देगी, तो फिर उस समय मजबूरी बन जाएगी जननायक जनता पार्टी को अलग होने की। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के कितने दिन बाकी हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी और बीजेपी मिलकर लड़ सकते हैं? और अगर गठबंधन नहीं होता, गठबंधन टूट जाता है और जननायक जनता पार्टी अपने बूते इलेक्शन लड़ती है, तो फिर हरियाणा में दोनों पार्टियों की क्या स्थिति रह सकती है? कितने कितने सांसद कौन कौन सी पार्टी के आ सकते हैं और बीजेपी का विधानसभा में कैसा प्रदर्शन होगा और जेजेपी क्या अपना पुराना 10 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या उससे आगे बढ़ेगी या फिर पीछे हट जाएगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।